आई एम योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम एचपीटी स्कूल कसूर कैंपस। हम लोगों ने नाइन्थ बायोलॉजी का फोर्थ चैप्टर जो है ये स्टार्ट किया हुआ था। हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ा, जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो एलिमेंट टिश्यूज पढ़े हम लोगों ने। अब हमारे पास जो है वो प्लांट टिश्यूज हैं कि प्लांट में टिश्यूज कौन कौन से हैं, किस जगह पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन को डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास के प्लांट में मेनली दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक होते हैं सिंपल टिश्यूज, दूसरे होते हैं कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज जो कि एक ही तरह के सेल्स पे मुश्किल होते हैं, मतलब एक ही टाइप के सेल्स होंगे, अगर वो आपस में मिलके कोई टिश्यूज बना रहे हैं उन्हें कहेंगे हम लोग सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज की आगे दो मेन टाइप्स हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये ऐसे टिश्यूज जो ऐसे सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकें। ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड कर सकते हो वो सेल्स मिलकर जो टिश्यूज बनाते हैं उन्हें हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का नाम देंगे। ये सेल्स होते हैं वो तीन फोल्ड होते हैं और इनके अंदर जो है एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। अब क्या हमने पहले सेल्स प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा था कि जब प्लांट अभी ग्रो कर रहा होता है, सेल्स अभी मैच्योर नहीं होते, अभी प्लांट ग्रो कर रहा होता है, उस कंडीशन में जो प्लांट जो इमेच्योर सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस लार्ज होता है जबकि स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता जब वो सेल जो है मैच्योर स्टेज पे आएगा तो उसके जो वैक्यूल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हुए वो वैक्यूल आपस में फ्यूज होकर एक ही लार्ज वैक्यूल बना देंगे। उस लार्ज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेस्ट मटेरियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिन्हें डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करने के लिए क्या होगा कि एक इनकी वॉल थिन होगी, दूसरा इनके अंदर वैक्यूल्स जो है वो बहुत कम अमाउंट में होंगे या नहीं होंगे। अब वैक्यूल्स या बहुत कम है स्मॉल है या है नहीं, उस कंडीशन में भी न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होगा। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की आगे दो मेन टाइप्स हैं, वो है एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये ऐसे टिश्यू होती है जो कि प्लांट के एपिक्स से पाई जाती है। एपिक्स मतलब उसके एंड जो किनारे होते हैं वहाँ पर, जैसे कोई प्लांट ग्रो कर रहा है उसके जो शूट का एंड है या उसके जो रूट सिस्टम का, उस शूट और रूट में क्या डिफरेंस होता है कि हमारे पास ये प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है, कोई भी प्लांट है यहाँ तो जमीन के ऊपर जो उसका पार्ट ग्रो करेगा वो होगा हमारे पास शूट और जमीन के नीचे जो पार्ट ग्रो करेगा उसे कहते हैं रूट्स। तो रूट्स और शूट्स इन दोनों के जो एंड होंगे, दोनों के जो एपिक्स होंगे, उन एपिक्स पे कौन से सेल्स होंगे, कौन से टिश्यूज होंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, क्लियर है। उसके बाद ये जो है वो प्लांट की ग्रोथ करवाती है, मतलब अगर शूट के बिल्कुल एंड पे हैं तो वो सेल्स डिवाइड करेंगे एक से दो, दो से चार सेल डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो ग्रोथ है वो साइज है वो इंक्रीज होगा और इस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ का नाम देते हैं। अगेन एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट की एपिक्स से पाए जाते हैं। एपिक्स हम दोनों की बात करेंगे, शूट सिस्टम की भी और रूट सिस्टम की, मतलब जमीन से जो बड़ा बड़ा हिस्सा है वो शूट सिस्टम और जो अंदर होगा वो रूट सिस्टम। उन दोनों सिस्टम उन दोनों पार्ट्स जो पार्ट्स होंगे उन दोनों पार्ट्स के जो एपिक्स होंगे किनारे होंगे उस किनारे के जो है वो सेल्स जो ग्रो कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं उनको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का नाम देंगे। और वो जो है वो प्लांट की ग्रोथ में हमें प्रोवाइड करते हैं, प्लांट ग्रोथ करवाते हैं और इस तरह की ग्रोथ को हम लोग प्राइमरी ग्रोथ का नाम देंगे। उसके बाद जो लेटरल मेरिस्टेम नाम से पता चल रहा है जो लेटरल साइड में होंगे, जो बिल्कुल साइड में होंगे, प्लांट जब ग्रो करेगा तो ग्रो करने के प्लांट साइड सेल्स होंगे उन सेल्स को हम लोग लेटरल मेरिस्टेम का नाम देंगे। और ये भी प्लांट ग्रोथ करवाते हैं लेकिन लेटरल साइड पे, वो एपिकल था उसकी ऊंचाई के लिहाज से और ये उसकी जो है वो लेटरल साइड पे ग्रोथ होगी और इस तरह की ग्रोथ को लोग सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देंगे। इसकी भी आगे दो मेन टाइप्स हैं, वो है वास्कुलर कैम्बियम और दूसरा एक कॉर्ड कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम ऐसे टिश्यूज की लेयर होती है जो कि हमारे पास जाइलम और फ्लोइंग सेल्स की जो ट्यूब्स हैं उनके साइड से होंगे। जाइलम और फ्लोइंग सेल्स क्या होता है वो हम डिटेल पढ़ते हैं अभी। जाइलम और फ्लोइंग सेल्स एक ट्यूब के फॉर्म में होंगे, उन ट्यूब की जो उन दोनों के जो ज्वाइंट करने वाले टिश्यूज होंगे उन टिश्यूज को हम वास्कुलर कैम्बियम
कोर कैंपियन का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास मेरिस्टमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू हम पढ़े थे। सिंपल टिश्यू की पहली टाइप है मेरिस्टमेटिक टिश्यू और सेकेंड टाइप है इसकी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होती है वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एपिकल मेरिस्टेम और जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं उसमें एपिकल मेरिस्टेम जनरेटिव मेरिस्टेम टिश्यूज हैं उन्होंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद उनकी ग्रोथ हुई। अब जो डिवाइड करके पहले बन चुके हैं ठीक है, अब जैसे प्लांट है ठीक है कोई भी ये पार्ट है उसका अपना न्यूट्रो सिस्टम एक बना दी, स्टेम बना दी। अब ये स्टेम जो है वो अभी ग्रो करेगी। यहाँ पर इसके नए सेल्स ये जो बिल्कुल एपिस्पिक सेल है ये डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके ये जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको इलोंगेट करेंगे, इसकी ग्रोथ करवाएंगे। ग्रोथ करने के बाद अब ये इसका बिल्कुल एंड वाला पॉइंट है, ये इसका एंड वाला पॉइंट है। अब ये जो है ये डिवाइड करेगा और अब ग्रो करेगा और ये जो सेल्स अब जो बन चुके हैं इन सेल्स को हम लोग परमानेंट टिश्यूज का नाम देंगे। अब ये जो है ये डिवाइड नहीं करेंगे, ये परमानेंट हो गए। तो उसके बाद ये जो है इनमें एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की। बाद में एपिकल और इसमें जो परमानेंट टिश्यूज है, परमानेंट टिश्यूज की आगे कुछ टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास टाइप है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मस, एपिडर्मल वर्ड है वो एपिडर्मस से निकला है। एपिडर्मस कहते हैं कि हमारी जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है किसी प्लांट की, बिल्कुल आउटर लेयर होगी जैसे वो किसी स्टेम की हो रही है, किसी लीफ किसी लीफ की है, किसी भी की जो आउटर लेयर होगी वो एपिडर्मस। एपिडर्मस के जो फाइबर वाले टिश्यूज है उन्हें हम लोग एपिडर्मल टिश्यूज का नाम देंगे। ये टिश्यूज जो है वो सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है और ये टिश्यूज होते हैं वो एक एज ए बैरियर एक्ट करते हैं। ये जो उसके इंटरनल पार्ट्स हैं एपिडर्मस में बिल्कुल अंदर साइड में टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे, उन सेल्स को जाकर रखते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। जो बाहर जो है वो एनवायरनमेंट टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है, एयर का फर्क पड़ जाता है, पोल्यूशन है, उन सब एनवायरनमेंट से जाकर रखते हैं और जो इंटरनल टिश्यूज हैं उन सबको। उसके बाद अगर ये एपिडर्मल टिश्यूज रूट्स के अंदर पाए जा रहे हैं तो रूट्स के अंदर क्या फंक्शन होता है कि रूट्स में रूट्स का मेन फंक्शन क्या है, उन्हें वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इन सबको सॉइल से एब्जॉर्ब करना। तो सॉइल को एब्जॉर्ब करने के दौरान अभी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो रूट है कोई कि रूट की बिल्कुल आउटर ये सब टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, जो बिल्कुल आउटर टिश्यूज की एक लेयर होगी उन्हें हम लोगों ने कहा है एपिडर्मल टिश्यू। तो ये जो एपिडर्मल टिश्यूज है जो लेयर बनी हुई है ये फिर सॉइल के अंदर से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर यही एपिडर्मल टिश्यूज स्टेम और लीफ के अंदर पाए जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये टिश्यूज सेल्स हैं इनके अंदर क्यूटिन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जाता है क्यूटिन एक ऐसा केमिकल है जो कि इसको लिपिड के फॉर्म में लेते हैं, लिपिड की तरह का है और ये जो है वो वाटर डिपेंडेंट है, मतलब वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो जब एक लीफ की सर्फेस है उसके ऊपर अगर हम लोग एक क्यूटिन की एक लेयर सी बन जाए, मतलब लिपिड की एक लेयर सी बन जाए, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इंटरनल सेल्स हैं सेल्स के अंदर से वाटर जो है वो इवेपोरेट नहीं होगा। जब वाटर इवेपोरेट नहीं होगा तो उस कंडीशन में को उसको डेसिकेशन नहीं हो सकती, मतलब वाटर की जो कमी है उसको फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद परमानेंट टिश्यूज की सेकेंड टाइप है ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज जो है ये पेरेंटेमा सेल से मिलकर बनी होती है और पेरेंटेमा सेल जो है वो बॉडी के अंदर प्लांट बॉडी के अंदर सबसे अबंडेंट अमाउंट में होते हैं। अब ये पेरेंटेमा सेल्स क्या होते हैं कि ये स्टेरिल सेल होते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करना होता है जैसे एक सेल है तो दूसरे सेल के साथ जाकर मिलना है तो वैसे कुछ स्टेरिल होगा, लेकिन जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट करेगा दूसरे सेल के साथ वहाँ से थोड़ा सा जो है वो फ्लैट हो जाएगा और इसकी जो सेल वॉल है वो भी थिन होती है और इसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। अब लार्ज वैक्यूल क्यों होगा, क्योंकि इसने अब फूड की या वाटर की स्टोरेज करनी है। उसके बाद अगर ये लीव्स के अंदर पाए जा रहे हैं तो लीव्स के अंदर इनको हम लोग मेसोफिल सेल्स का नाम देंगे और मेसोफिल सेल्स जो है ये एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और अगर ये लीव के अलावा किसी दूसरे पार्ट्स में स्टेम में है या फ्लावर्स के दूसरे पार्ट्स में है तो वहाँ पर ये प्लांट प्रोलिफरेशन के अंदर और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो है वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे सेल्स। उसके बाद हमारे पास परमानेंट टिश्यूज की तीसरी टाइप है स्पोर टिश्यू। स्पोर टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि हमें प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा उसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। स्पोर टिश्यूज की आगे जो है वो दो टाइप्स हैं, एक है ग्रोथ प्लाइमर टिश्यू और दूसरी है सिकल प्लाइमर।
जो लीव्स हैं उनके अंदर एक बिट भी बिट जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लीव है तो लीव के बिल्कुल सेंटर में जो है वो एक रिप सी इस तरह से बिट रिप होगी। उस रिप के अंदर या जो फ्लॉट की पैटर्न होती है उन पैटर्न के अंदर इम्पोर्टेंट फैमिली टिश्यू पाए जाते हैं। ये जिन सेल्स से मिलकर बड़े होते हैं वो सेल्स जो है इनोवेटेड होते हैं। इनोवेटेड सेल्स के साथ जो है ये फ्लेक्सीबल फ्लेक्सीबल होती है और फ्लेक्सीबल होने की वजह से ये प्लांट को फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड करती है और उसके अलावा हमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्पोर टिश्यूज दूसरी टाइप स्क्लेरल कैमर टिश्यूज। स्क्लेरल कैमर टिश्यूज जो है ये ये ऐसे सेल्स से मिलकर बनी होती है जिनकी जो सेल वॉल है वो डिजिट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो डिजिट होती है और इसके अलावा डिजिट होने के साथ साथ इनमें इनके सेल्स के अंदर लिग्रीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। जब लिग्रीन ज़्यादा होगा तो उसमें ही ज़्यादा सेल जो है वो ज़्यादा हार्ड होगी, ज़्यादा थिक होगी और जो लिग्रीन है वो प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मेन केमिकल एलिमेंट है वो लिग्रीन है। और जो मेच्योर स्क्लेरल कैमर स्पीशीज होती है सेल जिन सेल्स मिलकर बने होते हैं वो जो इमेच्योर प्लांट होते हैं जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है मेच्योर कर रहा होता है उसमें ज़्यादातर ये ज़्यादा अपने इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन जैसे कि प्लांट ग्रो कर जाता है मतलब मेच्योर हो जाते हैं जो सेल्स मेच्योर हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सेल्स जो है वो नेक्स्ट इनोवेट नहीं करते उनके जो सेल्स है वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद प्लांट की जो मेन हमने पढ़ा कि प्लांट के अंदर दो मेन टिश्यूज पाए जाते हैं, एक है सिंपल टिश्यूज और दूसरा हम पढ़ेंगे कंपाउंड टिश्यूज। कंपाउंड टिश्यूज में क्या होता है कि इसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स जो है वो आपस में मिले हुए होते हैं। अगर एक टाइप के सेल्स हो क्यों नहीं कहेंगे सिंपल टिश्यूज, अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे कंपाउंड टिश्यूज। दो मेन इसकी एग्जाम्पल्स है एक है जाइलम और फ्लोएम। दोनों टाइप के सेल्स हैं वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है इसको पढ़ेंगे। जाइलम टिश्यूज होते हैं ये प्लांट के अंदर ये टिश्यूज होते हैं जो उनकी बॉडी में उसको फैले हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी भी प्लांट का ट्रंक है ठीक है तो ये सॉइल नीचे सब टाइप हुआ और नीचे साइड रूट्स तो इनके सेंटर में दो ट्यूब्स पाई जाएंगी। एक होगी हमारे पास फ्लोएम ट्यूब और दूसरी होगी जाइलम ट्यूब। अब यहाँ पर एक जो ट्यूब है जाइलम ट्यूब का काम होता है कि इसमें रूट्स ने फॉर एग्जाम्पल रूट्स ने जो है सॉइल के अंदर से वाटर और केमिकल जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड है ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब रूट्स के अंदर से यहाँ से किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता हुआ प्लांट के पूरे एंड तक एंड पे जो लीव है वहाँ तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुँचते हैं उनके तक उनको पहुँचाने के लिए जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। तो जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं कि जो रूट्स हैं रूट्स ने जो वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो हैं उन सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब की हैं उन एब्जॉर्ब्स को जाइलम टिश्यूज के जरिए पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इन जाइलम टिश्यूज के जिन सेल्स से मिलकर बना होता है उन सेल्स में लिग्निन के बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। लिग्निन ज़्यादा होने की वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। जब सेल्स में काफ़ी ज़्यादा थिक होंगे उस कंडीशन में ये प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जाइलम जो है टिश्यूज की दो मेन टाइप हैं एक है वेसल एलिमेंट्स दूसरे ट्रैक्ट्स। तो वेसल एलिमेंट्स हैं इनके जो सेल्स होते हैं इनकी सेकेंडरी वॉल भी थिक होती है लेकिन इनके जो एंड वॉल्स हैं मतलब जहाँ पर सेल एंड हो रहा होता है वो एंड वॉल जो है वो नहीं होते और ये आपस में डिफरेंट सेल्स मिलकर एक लॉन्ग ट्यूब बना देते हैं ये वेसल एलिमेंट्स। उसके बाद ट्रैक्ट्स हैं ट्रैक्ट्स के जो सेल्स होते हैं वो सिलेंडर टाइप होते हैं। सिलेंडर मतलब के इनोवेटेड ज़्यादा होंगे और जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम होगी तो वो इनोवेटेड सेल्स होते हैं सिलेंडर टाइप सेल्स होते हैं और सेल्स जो आपस में ओवरलैप भी होते हैं एंड सेटअप से जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास इस तरह से एक सेल है और दूसरा वो ये दूसरा सेल होगा फिर इस तरह से ये तो डिफरेंट सेल्स हैं वो आपस में एंड से ओवरलैप किए गए होंगे। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड टिश्यूज की सेकेंड टाइप है फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज का फंक्शन भी ट्रांसपोर्टेशन ही होता है लेकिन फ्लोएम टिश्यूज होते हैं जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है उनको वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम टिश्यूज इनके अंदर वो सीड ट्यूब्स होते हैं और कंपेंडेंट सेल्स होते हैं। सीड ट्यूब्स जो होती हैं वो लॉन्ग ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लॉन्ग एंड होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और उनमें जो उनकी एंड बोल्ड्स हैं वो ज़्यादा शॉर्ट होती हैं और इनके अंदर कुछ पोर्स होते हैं
पहले माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, माइक्रोस्कोप के टाइप्स पढ़ी, उसके बाद फिर हम लोगों ने सेल थ्योरी किस तरह से डिस्कवर हो गई, जो साइंटिस्ट का रोल वो सारा एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोगों ने जब सेल डिस्कवर हो गया तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स पढ़े, सेलुलर स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने पहले उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन ये सब डिस्कस किए, उसकी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कहाँ पाई जाती है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, वो सब हमने पढ़ा। उसके बाद प्लांट और एनिमल टिश्यूज जो है वो डिस्कस किए, पहले हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज को डिस्कस किया और अभी प्लांट टिश्यूज। पूरे चैप्टर में अगर आप लोगों को कोई पॉइंट, कोई कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हो, कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं आप लोग। और थैंक यू सो मच।